दोस्तों आज हम खिचड़ी पुलाव बनाने जा रहे हैं। खिचड़ी के लिए ये सब सामान लिए हैं। 4 प्याज लिए हैं, प्याज को चॉप कर दिए हैं, मूंग दाल, चना दाल, एक रिफाइंड ऑयल लिए हैं, घी लिए हैं, हल्दी, नमक, 4 सूखा मिर्चा, जीरा, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग, तेजपत्ता, प्याज को चॉप कर लिए हैं, काजू टुकड़ों में काट कर ले लिए हैं, किशमिश ले लिए हैं, 1 घंटा दाल को पानी में डाल के छोड़ दिए थे, दाल फूल गया, उसके बाद उसको साफ करके ले लिए हैं, और बासमती राइस को भी धो लिए हैं। देखिए बासमती राइस को भी धो लिए हैं, दोनों साफ कर लिए हैं। देखिए दोस्तों अब गैस ऑन कर रहे हैं, कढ़ाई रखेंगे। अब हम कढ़ाई गैस पर रख दिए हैं गरम होने के लिए। अब रिफाइंड डाल रहे हैं, 2 चम्मच रिफाइंड डालेंगे। और 4 चम्मच घी डालेंगे। दोनों मिक्स करके ही बनाएंगे खिचड़ी को। ये सब तड़का में डाल दिए हैं जो लिए थे, छोटी इलायची, मिर्चा, तेजपत्ता, जीरा। अब तड़का ब्राउन हो गया है, प्याज डाल रहे हैं। अब इसे भूनेंगे। दोस्तों एक बार मेरे तरीके से बना करके खाइएगा, बहुत टेस्टी लगता है खिचड़ी पुलाव। अब देखिए काजू डाल रहे हैं, काजू भी उसी के साथ भूनेंगे। देखिए अब थोड़ी सी हल्दी डाल दिए हैं। देखिए अब दाल चावल को भी डाल रहे हैं। अब इसको फ्राई कर रहे हैं, इसके साथ में ही किशमिश भी डाल देंगे। देखिए किशमिश डाल रहे हैं, अब अच्छा से फ्राई कर लेंगे। अब देखिए स्वाद अनुसार नमक डाल रहे हैं। देखिए अब अच्छा से फ्राई कर रहे हैं। देखिए अब फ्राई हो गया है, अब कुकर में डाल रहे हैं। कुकर में गर्म पानी पहले से करके रखे थे 4 ग्लास। अब देखिए उसमें डाल रहे हैं चावल। देखिए अब कुकर का ढक्कन बंद कर रहे हैं। अब 1 सीटी आने तक पकाएंगे। देखिए अब सीटी का इंतजार कर रहे हैं। देखिए दोस्तों सीटी लग गया है, अब कुकर ठंडा होगा तब सर्व करके दिखाएंगे आपको कि कैसा बना है। देखिए दोस्तों मेरा खिचड़ी पुलाव तैयार हो गया है, इसको सर्व किए हैं गोभी चिल्ली और प्याज के सलाद के साथ। एक बार मेरे तरीके से आप भी बना करके खाइए, बहुत टेस्टी लगता है ये खिचड़ी। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।